हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप अपने सामने आज देख सकते हो FZX यामाहा आज मेरे साथ है। मैं आज इसका राइड रिव्यू करने जा रहा हूँ, सिटी राइड रिव्यू करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिटी के लिए ही बाइक्स ख़रीदते हैं। एंड गाड़ी में 150 cc का इंजन लगा हुआ है। बैक टायर प्रोफाइल देखिए, अच्छा लग रहा है। टायर हगर दिया हुआ है। पीछे की आपको बैकलाइट LED है, इसमें इंडिकेटर्स LED हैं। रेयर फुटपैक्स मेटल बेस्ड हैं। फ्रंट के आपको रबराइज बेस्ड हैं। एंड आपको 5 गियर शिफ्ट के साथ ये आती है। नीचे आपको इंजन प्रोटेक्शन दिया है, वो भी मेटल में ही दिया हुआ है। एंड फ्रंट का टायर प्रोफाइल भी अच्छा लग रहा है। ये सब आप देख सकते हैं, सब बिल्कुल मेटल फिनिश दिया है। काफ़ी ज़्यादा रगेड एंड रेट्रो फीलिंग ये आती है। फ्रंट में आपको बाई फंक्शनल इसकी हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा, फुल LED बेस्ड है। अच्छा लुक आता है, अच्छा स्टांस आता है। किसी को रगेड बाइक अगर चाहिए यामाहा से, तो डेफिनेटली वो इस पर देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसमें मेटल पार्ट्स आपके यूज हुए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे स्विचेस की क्वालिटी भी अच्छी है। फुल्ली डिजिटल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ देख लीजिए, ये अच्छा लग रहा है। एंड अच्छा इसका एक डिसेंट 12-13 लीटर्स का इसका टैंक साइज़ भी मिल जाता है। टैंक साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आपको इसमें मिल जाती है। इसकी सीट, कोई स्प्लिट सीट नहीं आती। पीछे आपको मेटल में ग्रैब हैंडल मिल जाता है। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एंड चेन ड्रिवन है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, साइड स्टैंड रिमाइंडर, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सिंगल चैनल ABS है। बाकी इधर आप RPM देख सकते हो, इधर आप स्पीडोमीटर देख सकते हो, डिजिटल फ्यूल गेज इधर आ जाता है। फ्रंट में यहाँ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया है, तो अपना मोबाइल माउंट लगाएं यहाँ पे हैंडल बार पे एंड यूज़ करना शुरू करें। काफ़ी ईजी रहता है। जो लोग भी लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, उनको नेविगेशन में एंड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फर्क मिलती है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, रेयर में आपको मोनोसॉक सस्पेंशन मिलता है, जो प्री लोड के हिसाब से एडजस्टेबल है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये मुझे। चलिए, आज आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ताकि आप इसका ड्राइव रिव्यू देख पाएँ। ऑलरेडी मैं इसका एक डिटेल एक्सप्लेन वीडियो कर चुका हूँ, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। एंड 5'8" मेरी हाइट है। ऑलमोस्ट मैं 50% से ज़्यादा ग्राउंडेड हूँ। नीचे आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि एंगल अभी आप बन नहीं रहा है, लेकिन ईजिली मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि एक रेगुलर राइडर हूँ मैं। एंड ज़्यादा वेट नहीं है इसका, तो आप ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हो। तो और ज़्यादा अगर मैं कहूँ, 5.5 से नीचे वाले राइडर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ब्लैक आउट में लीवर्स हैं एंड इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल आपकी न्यूट्रल है। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आने वाला, ना आपकी कमर पे आने वाला है, ना आपके रिस्ट पे आने वाला है। एंड डिसेंट साइज़ के इसके मिरर्स आपको मिल जाते हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं। थोड़े रेट्रो लुक हैं, ओवल शेप दिए हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा कट्स आ चुके हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। आपको क्या पसंद आता है तो डेफिनेटली आप ज़रूर बताइएगा मुझे। एंड फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कैमरे को एंड देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाइक को, बहुत ही ईजिली एंड साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। चलिए, मिलियन के साथ बैठा हूँ मैं एंड अच्छे से ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स को एब्जॉर्ब कर रही है ये। चलिए देखते हैं, बहुत ही स्मूथ पिकअप है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पावर फिगर्स की बात करूं तो 12.5 PS के आसपास की इसकी पावर है और 13.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है। एंड फ्यूल टैंक 10 लीटर्स का ही है इसमें, मैंने आपको शायद 12-13 बता दिया। ये टैंक साइज़ देख के तो लगता है कि आप बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑन पेपर ये सिर्फ 10 लीटर्स का ही है। हॉर्न भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने काम नहीं किया है हॉर्न के लिए। बाकी लाइट हैंडल है इसका एंड अच्छा पिक कर रही है। जैसे जैसे स्पीड गेन कर रही है अराउंड ये 4000+ पे RPM पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये रिस्पॉन्ड भी कर रही है। इनिशियली आपको लगता नहीं है, यहाँ कुछ एक्साइटमेंट होता है, लेकिन 4000 RPM के बाद एक्साइटमेंट शुरू होता है इसका। जैसा मैं कहता हूँ कि ये मेनली ना आपको डेली बेसिक कम्यूटिंग के लिए इसको बनाया गया है, उसी हिसाब से
इसका पूरा एक इसके कैरेक्टर को बनाया गया है, एवरेज भी ये डिसेंट निकाल के देती है। कंपनी अराउंड 45 कहती है लेकिन 40 प्लस ये दे देती है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। यामाहा के पास 150 सीसी के ही इंजन्स हैं जो वो अपनी सारी बाइक्स में यूज़ कर रहे हैं और एक स्कूटर में भी यूज़ कर रहे हैं। आपको नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो थोड़ा खींचते हैं, उसकी आवाज़ अच्छी कर रहा है। आवाज थोड़ा बेसी रखी है इन्होंने। ट्रैफिक में आ गए हैं, देखते हैं ट्रैफिक में कैसी चलती है, कैसा इसको मनूवर करना इजी है कि नहीं इजी है। और दो लोग इस समय बाइक पे बैठे हुए हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अब देख लेते हैं। अभी तक फुट डाउन नहीं हुआ है तो एक हाँ एक वो खाली मेरे बैलेंसिंग से नहीं, बाइक के भी नेचर से उस पर फ़र्क पड़ता है। बाइक का बैलेंस और सब कुछ काम आता है तभी ऐसा पॉसिबल भी है। मुझे तो अच्छी लग रही है, एंड अगर आपको एक डेली कम्यूटर चाहिए तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। और इस 150 सीसी का तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, आप किसी भी बाइक ब्रांड उठा लेंगे तो 150 सीसी कंपटीशन में भरी पड़ी हैं बाइकें, 160 150 ये सब कुछ इसी के आसपास ही रहता है। ऑन रोड प्राइस इसका लखनऊ में 1,60,000 के आसपास है, तो ये प्राइस पॉइंट पे भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलता है मार्केट में। इजीली इसमें डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, अप शिफ्ट कर सकते हैं, क्लच बहुत ही लाइट है, मक्खन की तरह काम करता है। सस्पेंशंस भी डिसेंट काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। बाकी आप बताओ, अगर आपकी कोई FZX है, कोई रिलेटेड स्टोरी हो, आपके किसी फ्रेंड या फैमिली ने ली हो और उसको कैसी लगती है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है यामाहा की, एंड बाइक में कोई अगर उन्हें इशू लगता है तो डेफिनेटली शेयर करिए, तो जो हमारे सीरियस बायर्स होंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा। बाकी भाई गाड़ी तो अच्छे से भागती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आवाज़ उससे ज़्यादा अच्छी करती है जितनी तेज भागती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इन सब बाइकों को लेने वाले जो होते हैं ना वो भगाने वाले नहीं होते, मैं आपको बता दूँ। इस तरह की कोई थ्रिलिंग राइड नहीं होने वाली है। मुझे लगता है थोड़ी अलाइव ही, ये 4000 आरपीएम के बाद ही थोड़ी अलाइव भी होती है, मुझे ज़्यादा फील हो रहा है ये कि जब भी मैं आरपीएम मीटर की तरफ देखता हूँ ना तो ये हमेशा 3000-4000 प्लस ही चल रहा होता है, एंड तभी आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट आता है, आवाज़ भी तब अच्छी करती है। तो नीचे आरपीएम्स पे ये आपको बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लगने वाली। चलिए अब खाली स्ट्रेच आने वाला है, एक बार वहाँ पे भी देख लेते हैं कि गाड़ी कैसा
बिहेव करती है। आइए सिग्नल जरूर दिया करो चौराहों पे। चलिए पीछे ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, बाइक 140 किलो के आसपास वे करती है। समय मैं 6000 आरपीएम पे प्लस चल रहा हूँ। गाड़ी भागती है यार, खाली रोड पे तो गाड़ी अच्छे से भागती है, बिल्कुल भी मेरे बैक में प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरे लेग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना कोई क्रैम्पिंग जैसी पोजीशन बन रही है। ये तो प्लस पॉइंट है सारे इस बाइक के। मजा आ रहा है यार, जब तो भागती है ना तो बहुत ही अच्छे से भागती है, 4-5 हजार आरपीएम तो ये बहुत ही अच्छे से चलती है। ये इसका मेरी ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग ये इसका स्वीट स्पॉट है। बाकी इसके चौड़े टायर इसकी काफी ज्यादा मदद करते हैं ग्रिप करने में। फ्रंट में मेरे ख्याल से आपको 280 mm का डिस्क ब्रेक दिया है, रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया है, सिंगल चैनल ABS ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड ब्लूटूथ के थ्रू आप अपनी बाइक कनेक्ट कर सकते हो, एंड E20 कंप्लायंट है इंजन इसका। तो अगर आप यामाहा की कोई भी रेट्रो बाइक देख रहे हो, स्टर्डी रेट्रो बाइक, तो डेफिनेटली FZX उस पर पूरी खड़ी उतरती है। एंड अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास रहते हो तो डेफिनेटली आप इस शोरूम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा लखनऊ ऑटोमोटिव्स का। काफ़ी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल स्टाफ है, तो यामाहा के कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए थोड़ा रॉन्ग साइड चलते हैं, एंड नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी रिलेटेड इंक्वायरी है इस पर्टिकुलर बाइक से, एंड आप नीचे मेल पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको अपनी ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना है मेरे चैनल पे, दुनिया को आपको अपनी स्टोरी बतानी है अपने व्हीकल की, तो एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करते रहिए। लखनऊ ऑटोमोटिव्स हम आ गए हैं, शोरूम आपके सामने है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ सब कुछ डाल दूंगा इसकी डिटेल। बाकी मुझे बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड जिसको भी इस कंडीशंस ये वाली मैं क्या कहूँ सिचुएशंस के लिए एक बाइक चाहिए, एक डेली रन के लिए बाइक चाहिए, एक डिसेंट लुकिंग, एक बल्की लुकिंग यामाहा चाहिए, और यामाहा की वो क्वालिटी एंड फिनिश से वो खुश रहते हैं, तो डेफिनेटली वो इस बाइक पे ज़रूर जा सकते हैं। चलिए आज का राइड वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ, एंड टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, एंड फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, चाहे आप आगे बैठे चाहे पीछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।